जो हमारे प्राउड ओनर है वो विधायक है दिल्ली विधानसभा में। हाँ, बहुत अच्छा काम है। और रेट वगैरह आपको सही लगा दिए भैया? फ्रंट से इसमें 180 वाट की एलईडी इंस्टॉल की जा रही है। तो भाई एक बार आप देख सकते हो, 11,500 रुपए। 11,500 रुपए। अच्छा, इसमें ना उसी हिसाब की 7 स्लॉट वाली क्रोम डाल दी गई है, जिसमें रहने वाली मात्र 2,500। ऐसे सीट कवर कितने में इंस्टॉल कर दोगे? मात्र 10,000 रुपए में, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। होने वाला है अपना ये जीवा का एप्पल कारप्ले होने वाला है, 4/32 के प्रॉपर के साथ। जी जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो सारे के सारे? तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो एन, जो कि है भाई अपना बेस वेरिएंट। और इसमें भाई काफी सारा अपना काम होने वाला है और कुछ काम अपना हो भी चुका है। तो सबसे पहले भाई जो अपने शॉप के ओनर है उन्हें बुलाते हैं और करते हैं कि क्या क्या काम हुआ है, कितने रेट में हुआ है, सब चीज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिगर किसी देरी के, लेट्स गो। तो भाई जो गाड़ी को तैयार कर रहे हैं वो अपने ललित भैया। तो कैसे हो भैया? तो भैया थोड़ा सा लाउड बोला है ना, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी, है ना भैया? तो सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, जैसे ये बेस टू टॉप कर रहे हो आप इसमें, है ना? तो इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं भैया? फ्रंट से इसमें 180 वाट की एलईडी इंस्टॉल की जा रही है। अच्छा अच्छा। 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। हाँ हाँ। मात्र इसमें 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ 6,000 रुपए में हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं 2 साल। अच्छा। नीचे से फ्रंट से बात करें तो महिंद्रा जेन्युइन फॉग लाइट। तो भाई एक बार आप देख सकते हो, 11,500 रुपए। अच्छा, इसमें और भी कोई मतलब अलग आती है? अगर भाई जिस भाई का बजट नहीं है वो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकता है, जिस भाई का बजट है तो हम जेन्युइन वाली डाल के दे सकते हैं। तो इन दोनों चीजों की मतलब कॉस्टिंग कितनी होगी अपनी? ये हेडलाइट की एलईडी की कॉस्टिंग है 6,000 रुपए, 2 साल की वारंटी, 2 सेट। और ये फॉग लाइट है 11,500। जी जी जी। और फ्रंट से बात करें तो हमने इसमें Z8 वाली क्रोम वगैरह डाल दी है, जो जिसके जैसे टॉप वेरिएंट में जैसे कि उसकी ग्रिल आती है ना उसी हिसाब की 7 स्लॉट वाली क्रोम डाल दी गई है, जिसकी रहने वाली मात्र 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए मतलब ग्रिल चेंज कराने की जरूरत नहीं है, बस क्रोम लगवा लो। अगर ग्रिल चेंज करानी है तो ग्रिल भी चेंज कर सकते हैं, मेरा नंबर शो हो रहा होगा उसमें, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। जी जी। और जिस भाई का बजट नहीं है, अगर खाली क्रोम लगवानी है तो उस पर क्रोम भी लग सकती है। ठीक है भाई। तो बाकी ये अपना सारा काम होने वाला है भाई ललित कार एसेसरीज पर, और भैया वहीं पर ही काम करते हैं अपना। और बाकी भाई अंदर की तरफ से क्या क्या हो रहा है एक बार ऐसे ही बता दो। ये टॉप मॉडल वाले सीट कवर लग रहे हैं, फ्लोरिंग लग रहे हैं, 7D मैट लग रहे हैं। हाँ हाँ। और भाई का अभी बजट नहीं था। हाँ। तो उनमें ऑटो फोल्ड और अलॉय व्हील बाद में चेंज करवाएंगे भैया। जी जी जी। बाकी इसमें मोस्टली सारा काम मतलब बेस टू टॉप पूरी हो रही है, पूरी हो रही है एक तरीके से। तो भाई एक बार चलते हैं बाकी अंदर की तरफ और अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी में क्या लुक आ रहा है और क्या क्या काम अपना हो गया है, वो भी प्राइसिंग के साथ। तो भाई अंदर जाने से पहले बाहर की साइड से अपनी बात कर लेते हैं। पहले जैसे फ्रंट मैंने आपको दिखाई दिया, और भाई साइड में कुछ चेंजेस हुए हैं अपने? साइड से भी इसमें महिंद्रा जेन्युइन लोअर गार्निश इंस्टॉल। थोड़ा भाई लाउड बोलो, लाउड। साइड में इसमें महिंद्रा जेन्युइन लोअर गार्निश इंस्टॉल कर दी गई है, गैलियो के डोर वाइजर। हाँ। हैंडल क्रोम अभी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। हैंडल क्रोम कौन सा वाला होने वाला अपना? क्रोम भी गैलियो कंपनी में ही रहेगा। अच्छा अच्छा। लाइफ टाइम वारंटी है। अच्छा, तो ये क्रोमिंग का काम अपना कितने कितने का हो गया? ये लोअर गार्निश महिंद्रा जेन्युइन 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए। डोर वाइजर 1,300 रुपए। एक बार भाई देख लो आप डोर वाइजर, आपको अंदाजा लग जाएगा मतलब इस तरीके के होंगे भाई। प्रॉपर बैजिंग के साथ ही मिलने जी वाला जी जी। देखो एक बार मैं बैजिंग दिखा दूं, तो ये अपनी कुछ ऐसी बैजिंग होने वाली है स्कॉर्पियो एन, और क्रोम इसके मात्र 800 रुपए। अच्छा ठीक है भाई, वाले जिसमें जंक ना लगे। हाँ हाँ। बैक प्रोफाइल से बात करते हैं, एक बार भाई चलते हैं अपने लोअर के। स्पॉइलर इंस्टॉल कर दिया है। स्पॉइलर ये भाई मतलब कलर टू कलर में मैच हो जाता है भाई, जो आपकी गाड़ी का कलर होगा उससे मैच करके देंगे ये बात। बैक से इसमें कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसकी 1 ईयर वारंटी। तो कैमरा वगैरह इसमें इंस्टॉल किया जाएगा जी। बैक से रियर गार्ड। हाँ। ऊपर रूफ रेल अभी इसमें इंस्टॉल की जाएगी। हाँ। अंदर का काम अभी बाद में बताते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भाई स्पॉइलर की। तो ये अपना किस रेट में पड़ जाता है? स्पॉइलर मात्र भाई आपको 2,500 रुपए में दे देगा। 2,500 रुपए में बॉडी मैच है ना, मैच कलर मैच करके देंगे। कलर मैच करके देंगे। और जो आपका नीचे का भाई बम्पर है जेन्युइन लेग गार्ड है, वो आपको मात्र देंगे 2,200 रुपए में। ये 2,200 रुपए का, जो की स्कॉर्पियो एन का ही होगा है ना। और जो मात्र वो ग्रिल वाली रूफ रेल है आपकी, तो 6,500 में इंस्टॉल करके दी जाएगी। 65 में इंस्टॉल करके दी जाएगी स्क्रू वाली। अगर किसी भाई को टेप वाली चाहिए तो वो भी अपने वो भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। कॉस्टिंग मात्र 3,000 रुपए। तो भैया इसमें मतलब कुछ मतलब और भी काफी तरीके के आते हैं क्या स्पॉइलर वगैरह? स्पॉइलर भैया अगर आपको महिंद्रा जेन्युइन चाहिए तो ऐसे ही आएगा, अगर आफ्टर मार्केट लगवाने तो काफी सारे है ना, कई सारे डिजाइन। बाकी भाई आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर की तरफ और अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या सीन होने वाला, क्या क्या भाई ने काम करा दिया और क्या अभी हो रहा है ना भाई। तो चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। आ चुके हैं गाड़ी के अंदर,
तो अंदर से आपको लुक वगैरह कुछ दिख रहा होगा भाई, बेस में तो आपको पता है पूरा डिब्बा आता, अंदर से कुछ नहीं आता, सिर्फ ऑटोमेटिक एसी के अलावा। बाकी बात करते हैं भाई, जैसे कि आपको ड्यूल टोन इसमें दिख रहा होगा ना, ये ऐसा ही भाई ड्यूल टोन में अपना जो है स्टीयरिंग जो है रैप कर दिया भाई ने। और बाकी भाई सीट्स कवर भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं सारे, बस पीछे की एक सीट रह रही है ना भैया। सीट कवर की आप फिनिशिंग दे सकते, तो एक बार भाई आप फिनिशिंग देख लो इसकी, तो भाई प्रॉपर जो है काम हुआ है अपनी गाड़ी में। और एक बार यहाँ से भी देख लो भाई। बाकी भैया अगर बात करी जाए, जैसे कि कस्टमर अगर आता है और स्कॉर्पियो एन लेके आता है आपके पास बेस वेरिएंट, तो उसमें ऐसे सीट कवर कितने में इंस्टॉल कर दोगे? मात्र 10,000 रुपए में, लाइफ टाइम वारंटी के साथ, लेमिनेशन, हाँ सोफा लेमिनेशन के साथ। हाँ जी, तो बाकी भाई आपको दिख रहे होंगे बकेट अपने सीट कवर होने वाले। बाकी स्टीयरिंग का भैया मतलब कि इसी के साथ रहेगा या फिर अलग? भैया स्टीयरिंग अलग है। अगर स्टीयरिंग आप सीट कवर की मैचिंग का करवाते हो सेम स्टिचिंग के साथ, तो 500 रुपए की स्टिचिंग आएगा। अच्छा, 500 रुपए में। कैसा भी अपना मनपसंद कैसा भी करवा लो, जो कलर सीट कवर से मैच करवा रहे उसी कलर की स्टीयरिंग में आप करवाना चाहो तो उसमें भी आएगा। ठीक है भैया। बाकी भाई फ्रंट में जैसे कि मेन चीज होती है ना गाड़ी की, जैसे आपको दिख रहे होंगे भाई स्टीयरिंग माउंट्स, अब माउंट्स के साथ सबसे जरूरी चीज होती है अपनी स्क्रीन, तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी। बाकी भैया से पूछते हैं भाई कौन सा होने वाला है अपना? ये जीवा का एप्पल कारप्ले होने वाला है 4/32 के प्रॉपर के साथ। जी जी, इसकी ये 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी होती है मात्र 8,000 रुपए में। मात्र 8,000 रुपए में। बाकी इसमें भाई कुछ और भी 19-20 आता है अपना? वो भैया कस्टमर पर डिपेंड करता है वो कौन सी कंपनी लगवाते हैं। जैसे अभी कस्टमर ने, अच्छा अच्छा अच्छा, तो कस्टमर ने मतलब कि कितने का टारगेट दिया था कि मुझे इतने में इतने पैसे में अपनी गाड़ी तैयार चाहिए? अलॉय छोड़ के बेस टू टॉप करानी थी, तो हमने ये पूरा काम उनको कंप्लीट करके दे दिया। हाँ जी, तो भैया जिसमें कि अपने भाई स्क्रीन हो गई और बाकी अपना सॉफ्ट टच का भी जो है ऑनर बताएंगे कि करवाना है या नहीं करवाना है। बाकी भैया यहाँ पे अपना ड्यूल टोन मिल ही जाता है, मना कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम सॉफ्ट टच अलॉय व्हील वगैरह सारी चीज अपडेट होगी। तो भैया अलॉय व्हील वगैरह भी लग जाते हैं अपने? अच्छा अच्छा। बाकी भाई बात कर लेते हैं और क्या क्या काम हो गया गाड़ी में? गाड़ी में अपने सीट कवर इंस्टॉल हो गए, स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल, जी ये दिखा दिया, फ्लोरिंग इंस्टॉल हो गई है, फ्लोरिंग भी हो गई। तो भाई एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखो फ्लोरिंग वगैरह अपनी हो चुकी है, आपको ऐसे दिखेगी नहीं, मैं पीछे की तरफ से दिखाता हूँ। ये अपनी कुछ देखो फ्लोरिंग है, एक बार देख लो आप, ठीक है भाई, ये कपड़ा सा जो दिख रहा होगा ये फ्लोरिंग है अपनी। तो भाई फ्लोरिंग का क्या मतलब हिसाब किताब रहता है? 2500 रुपए मात्र, 2500 रुपए, 2500 रुपए में प्रॉपर पीछे तक, आगे से पीछे तक फ्लोरिंग की जाएगी। ये फ्लोरिंग कराने का ये फायदा है, हाँ, आपकी गाड़ी में अगर कोल्ड ड्रिंक गिर जाए, दूध गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो ये आपका नीचे का कारपेट नहीं खराब करती। जी जी जी, ऊपर ही रह के आप इसको बाहर रब कर सकते हो आसानी से। जी भाई जी जी, इजी इंस्टॉलेशन है इसमें, और इजी मानो कुछ भी हो जाए ना तो इजी से उसको बाहर निकाल सकते हैं। हाँ मतलब सीट वगैरह खोल के अपने आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप सीट भी नहीं खोलना चाहते तो आप गीला कपड़ा मार दो, वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो भैया मतलब इसकी कुछ गारंटी वारंटी क्या होता? इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। अच्छा अच्छा, और कितने प्राइस में जो आ जाती है, कैसा कपड़ा होता है भैया? इसमें दो क्वालिटी है, एक आपकी क्रोकोडाइल में आती है, अच्छा अच्छा, इसमें दूसरी रेजिन टाइप में आती है। अच्छा, और इस वाली का रेट मैंने आपको बता दिया फ्लोरिंग का, और क्रोकोडाइल वाली लोगे आप तो मात्र 3500 रुपए। अच्छा 3500 रुपए, मतलब जिस हिसाब से भाई आपको चाहिए उस हिसाब से जो है आप देख सकते हो। हाँ, बाकी सामने सारी क्वालिटी आपके सामने रखी जाएगी, सब चीज रखा रहेगा, जो चीज आप डिसाइड करोगे जी उसी हिसाब से आपका बजट बनेगा, और उसी हिसाब से जो है गाड़ी आपकी तैयार करी जाएगी। तो जैसे कि तो इसमें एम्बिएंट लाइट्स में इंस्टॉल की जा सकती है, जिसकी मात्र कॉस्टिंग 4500 रुपए रहने वाली है, 1 ईयर वारंटी वाली। 4500 रुपए भाई कौन सी वाली? K3 K4 सीरीज। तो भाई K4 इतनी सस्ती कैसे? इंडिया K4 सीरीज 4500 रुपए। 4500 रुपए इंस्टॉल करने के बाद? इंस्टॉल करने के बाद सब चीज लेवल कितने सेट का रहेगा भाई? 6 पीस का सेट रहेगा। 6 पीस का, 10 पीस का सेट लेते हो तो 5000 रुपए। अच्छा 5000 का पड़ेगा। तो भाई वैसे तो मतलब की शॉप पे आपको काफी जगह मिल जाएगी, लेकिन K4 भाई 4500 रुपए में मेरे हिसाब से तो नहीं है कि कोई लगा रहा होगा पूरे करोल बाग में। अगर इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत आ जाए साल भर, चाहे कोई भाई साल भर के बाद भी आते, तो हम हैंड टू हैंड इंस्टॉल पीस चेंज करके देंगे, आप रिप्लेस कर दोगे? रिप्लेस कर देंगे। तो भाई देख लो, बाकी भाई ने देखो बता दिया जो भी सीन होने वाला है अपना। बाकी अभी पीछे की सीट्स वगैरह अपनी आने वाली है जो कि अभी तैयार हो रही है। बाकी भाई ऊपर की तरफ भी ये बल्ब वगैरह चेंज करेंगे इसके? ये नहीं, ये सर कंपनी से ही आए। अच्छा, ये कंपनी से ही आते हैं। बाकी अपनी हेडलाइट में जो है सबसे मेजर चेंज जो है हेडलाइट्स का है। और बाकी एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। देखो भाई कुर्ते पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये देखो
तो भाई परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में कैसी है मतलब की? लास्ट ये तो हमारे प्राउड ओनर बताएगा गाड़ी के कैसी परफॉर्मेंस थी, कैसा हमारा काम रहा सारा। जी जी, तो लास्ट में भैया से हम देखते हैं 10 में से कितने मार्क्स देते हैं। जी, वैसे हम अपनी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए, तो बाकी मार्क्स देना तो भैया पे डिपेंड करता है। तो भाई अगर जैसे कि कोई बंदा स्कॉर्पियो एन लेके आता है, वो भी बेस है ना, तो उसमें टॉप बनाने का कितने रुपए ले लोगे? मात्र सर 80 से 1 लाख के बीच में आपकी गाड़ी टॉप हो जाएगी, अलॉय छोड़ के। अलॉय छोड़ के 80 से 1 लाख में, या टॉप से कुछ ऊपर भी हो जाएगा सीन? अगर आप टॉप से ऊपर करवाना चाहो तो अलॉय इसमें लगेगी, अलॉय की कॉस्टिंग अलग रहेगी। अच्छा अच्छा, तो अपने नॉर्मल अलॉय जो कितने तक स्टार्ट हो जाते हैं? नॉर्मल अलॉय सर इसके मात्र हो जाएगा 35 से 40 हजार रुपए में स्टार्ट, 17 इंच। 17 इंच जो कि टायर के साथ टायर प्रोफाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, टायर आपका ही रहेगा, खाली अलॉय रहेंगे। बाकी भाई आप देख सकते हो, बाकी अभी इसका फ्रेम वगैरह लगना अभी बाकी है, बाकी पूरी अपनी ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो पीछे की तरफ ये अपने हेड वगैरह लग रहे हैं इसके, और ये भी अपने तैयार होने के बाद बाकी फाइनली भाई से जो है मिलते हैं और ओनर से भाई जो है हमारी बात कराएंगे। लास्ट में आपको मैं सारे एक बार दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा कि क्या क्या काम हुआ इस गाड़ी के अंदर। हाँ हाँ। और गाड़ी के प्राउड ओनर से भी मिलवाऊंगा कि कैसा काम रहा, उनको सारी परफॉर्मेंस कैसी लगी। वैसे अपनी गाड़ी कहाँ से आई है भाई? ये गाड़ी आई है हमारी सर दिल्ली में, ये नोएडा साइड से। अच्छा अच्छा, नोएडा से। तो भैया नोएडा से गाड़ी आई है करोल बाग में अपनी, और जो ओनर है, जो हमारे प्राउड ओनर है, वो विधायक है दिल्ली विधानसभा में। अच्छा 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 जी। तो भाई बाकी कुछ बताने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाकी एक बार ओनरशिप रिव्यू आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप डिसाइड करना। बाकी भाई जितना भी काम हुआ और जितने में भाई ने काम किया, आपको रेट टू रेट पता चल गया होगा, बाकी नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। बाकी चलते हैं भाई एक बार, कोई डाउट हो तो मेरा नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, मेरे को कॉल कर सकते। जी जी जी, बाकी भाई आप जो है बता देना, जैसा भी भाई को एक बार मतलब की मैसेज कर देना, जिस तरीके का चाहिए जो पूछना है, जो कुछ भी ए टू जेड भाई जो भी है, एलॉय से रिलेटेड है, एसेसरीज से रिलेटेड है, भाई के पास भाई एक बार मैसेज कर देना और आपको पता चल जाएगा। चेंज कराने, डैम्पिंग कराने, वो जी भी हो जाएगा, वो सारे हो जाएंगे। मोस्टली Z2 तो मैं Z8 बना के दूंगा। हाँ, तो मतलब डैम्पिंग वगैरह का क्या सीन रहता है, कितने में हो जाती है? बस 4000 से स्टार्टिंग है। हाँ, अगर आप जितनी ऊपर हार्ड क्वालिटी के ऊपर लेके जाओगे, हाँ, डॉक्टर आरटीएक्स के डैम्पिंग 7500 रुपए में पूरी गाड़ी करके दोगे, पूरी गाड़ी करके दोगे, बाकी 4000 से भी रूफ के साथ। हाँ जी, वाटर इससे डैम्पिंग कराने का ये फायदा है कि आपका साउंड प्रूफ हो जाती है गाड़ी। हाँ। और जैसे जो गाड़ी बाहर से थोड़ी हैवी हो जाती है, करते हैं ना, हाँ हाँ, ढक ढक बजती है। हाँ। और जो डैम्पिंग करने के बाद वो नॉइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी जी जी, बाकी भाई चलते हैं एक बार बाहर की तरफ और आपको ओनर से भी मिलवाता हूँ। तो चलो भाई है ना, चलते हैं एक बार। तो भाई ये हो रही है अपनी रूफ रेल्स जो है अभी लग रही है, इंस्टॉल हो रही है, बाकी एक बार भाई से बात करते हैं। तो भाई ये है भाई की शॉप, और भैया एक चीज बताओ, मतलब ये रूफ रील्स मतलब इसकी कोई क्वालिटी वगैरह भी होती है कुछ? इसी लुक के लिए होती है, ये टॉप मॉडल में कंपनी लगा के देती है इसको, गैलियो कंपनी की रूफ रेल है। अगर आपको महिंद्रा जेन्युइन चाहिए तो महिंद्रा जेन्युइन। अच्छा अच्छा। हाँ, भैया का बजट नहीं था इसलिए हमने गैलियो कंपनी की रूफ रेल लगाई है, महिंद्रा जेन्युइन चाहिए तो वो 6500 की। वो 6500 रुपए की है। तो बाकी मतलब ये कितने की अपनी? ये आपको भैया 3000। ये 3000 रुपए की है। और बाकी और भी कुछ काम हुआ था गाड़ी में, हूटर वगैरह इंस्टॉल हुआ? भैया ने अपना सामान लाया था, उसी को हमने लगा के दे दिया। अच्छा, वो ही लगा के दे दिया आपने, तो उसमें मतलब उसमें तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन पहले भाई ये लग रही थी अपनी जो बाहर निकल के रखी हुई, भैया के पास रखा हुआ था हमने। अच्छा अच्छा, इंस्टॉल कर दी। अच्छा, एक बार इसकी प्राइसिंग बता दो। इसकी प्राइसिंग भैया 5500 रुपए है। अच्छा अच्छा, विद एम्प 5500 रुपए दोनों का कॉम्बो। अच्छा, यूएसए वाला आता है वो 2500, वो 2500 रुपए का। तो बाकी भाई आप खुद हिसाब लगा सकते हो। बाकी एक बार लेते हैं ओनर का रिव्यू, जो अपने कार के ओनर है ना, तो उन्हें काम वगैरह कैसा लगा और वो सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, है ना भाई जी? तो चलते हैं एक बार ओनर के पास, है ना। तो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है ओके, बिल्कुल टोटल काम इसका कंप्लीट हो चुका है, टोटल एसेसरीज वगैरह लग चुकी है इसकी, और ये रहे अपने ओनर। तो कैसे हो अंकल जी? मैं ठीक हूँ। और अंकल जी ने भैया सारा काम कराया है भाई से, तो भाई बताएंगे कि क्या क्या मतलब सीन हुआ। तो भाई एक बार बता दो अंकल, गाड़ी का मॉडल था Z2। हाँ। इसके अंदर 2 सेट LED लग चुकी है 180 वॉट की, जो 2 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी रहेगी। हाँ, आगे से महिंद्रा जेन्युइन फॉग लाइट, आगे ग्रिल की स्किप प्लेट सातों वाली। हाँ, हाँ। और अभी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है जी। बाकी अंकल जी हमारे साथ रहते हैं, अंकल से पूछिए कैसे काम। तो अंकल जी काम वगैरह कैसा लगा आपको? आज मैं सुबह ही कार की डिलीवरी ली थी। जी जी। उसके बाद कुछ चीज के लिए मैं आज करोल बाग आया जी। तो मैंने पूरा मार्केट ट्राई किया यहाँ पे जी, लगभग 10 दुकानों पे मैं गया जी। तो उसके बाद फिर मैं
सुबोध भाई के ललित कार एसोसिएशन के प्रतिष्ठान पर जब आया जी, तो इनका व्यवहार, इनके रिजनेबल प्राइस जी, सब कुछ देख के मेरा मन किया कि आज काम यहीं से ही करा लो, ललित भाई के यहीं से कराया जाएगा जी जी, सुबोध भाई के यहाँ जी अंकल जी। तो आपको काम वगैरह कैसा लगा फिर, मतलब एक नंबर लगा काम वगैरह, ठीक ठाक है? हाँ, बहुत अच्छा काम है। और रेट वगैरह आपको सही लगा दिए? रेट भी बहुत रिजनेबल इनके रेट हैं जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सारा सामान जी क्वालिटी का लगाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का लगाया जी जी जी। मैं इनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ जी, अच्छा काम किया इन्होंने जी जी। बधाई देता हूँ कि इनका जो कारोबार है फले फूले जी, और बहुत मेहनती बच्चा है जी। तो भाई बाकी ने मुझे कहा हाँ, कि मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ जी जी, यही मन बना लेता कि आज काम इसी से कराऊंगा जी जी जी, और मेरी पूरी शुभकामना इसके साथ है। तो थैंक यू अंकल जी इतने सपोर्ट के लिए। बाकी भाई वीडियो वगैरह आपको पूरी देखने के लिए मिल जाएगी कि क्या क्या एसेसरीज का इसमें काम हुआ है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना बाय।